महंगा पड़ गया इस युवक को अपनी थार से स्टंट करना। युवक ने धार के गढ़कालिका मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाई अपनी थार और उसके बाद 5 दिन बाद उस वीडियो को किया वायरल। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया और नंबर के आधार पर उसकी जांच हुई और युवक भंवर नायक को पकड़ लिया गया। आज पुलिस ने उसे पकड़ा और उस पर 3500 रुपये का चालान बनाया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा चालान है मध्य प्रदेश में ट्रैफिक को लेकर। साथ ही उससे एक माफ़ीनामा भी लिया गया और उसी से एक वीडियो पर भी माफ़ीनामा लिया गया और उस वीडियो को उससे ही उसके अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कहा गया। आइए देखते हैं क्या कहा भंवर नायक ने अपने इस सफाई में और अपनी इस माफ़ीनामे में। मैं भंवर नायक, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने एक मन्नत ली थी कि मेरी जो मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं माता माँ के दरबार पे गाड़ी ला के 4 सीढ़ी चढ़ाऊंगा। मैंने मेरी मन्नत के कारण गाड़ी चढ़ाई है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। मैं खुद माता जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरे माता जी ने काम किया इसलिए मैंने किया। मुझे नहीं पता था कि उसका कुछ गलत ही परिणाम निकलेगा। मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, जिन जिन भक्तों को ठेस पहुँची हो, मैं हाथ जोड़ के उनसे सभी से माफ़ी चाहता हूँ और मंदिर के सारे ट्रस्ट वालों से भी और पुजारी जी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मैंने गलती की है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। मैं भंवर नायक, बस मेरी गलती हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लाइफ में कभी ऐसी गलती नहीं होगी और पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर कार्रवाई की है, मैं उसका भी चालान भर चुका हूँ। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे माफ़ करें सभी भक्तों से, और मैं खुद एक माता का भक्त हूँ।